ભાઈ તું અને તારી વાતો બહુ જ પોપ્યુલર હોય છે અને વરસાદ આવે એટલે બધાને ખબર છે કે હું કંઈક નવું નવું લખતી આવું છું, પણ મોટા ભાગે બધું ગુજરાતીમાં લખું છું. અબ ક્યુંકિ મેરે સ્ટુડિયો મેં ધ સુપર ક્યુટ સુપર હેન્સમ મેન જિસકી આવાઝ ઇસ બાર આપકે પ્લેલિસ્ટ મેં એડ હો ચુકી હૈ વો આયે હૈ અર્જુન કાનુનગો, તો આઈ એમ ગોઈંગ ટુ શેર માય તું અને તારી વાતો ઇન હિન્દી જો પહેલે મેં લિખ ચુકી હું એક સાલ પહેલે. વેલકમ ટુ માય સ્ટુડિયો. થેન્ક યુ સો મચ આદિતિ. આઈ નો આઈ એમ સ્પીકિંગ ઇન ગુજરાતી. હાં જી, બહોત જલ્દી મેં હિન્દી મેં આને વાલી હું. મેં સમજ લુંગા થોડા સા. और मैं वैसे मैं कुछ ना कुछ लिखती रहती हूँ. जब बारिश होती है ना तो मेरा भी ऐसा दिल धड़कने लगता है कि मैं कुछ लिखूँ, मेरे अंदर का शायर जाग उठता है. मैंने कुछ लिखा है जिससे मैं शुरू करना चाहती हूँ मेरा ये एपिसोड. जरूरी नहीं कि हर बारिश तेरी याद लेकर आए. क्या बात है. जरूरी नहीं कि हर याद तेरे ना होने के एहसास को जगाए. जिंदगी कल भी चल रही थी, आज भी कट रही है. जरूरी नहीं कि तेरे आने से वो रुक जाए और तेरे जाने से वो संभल जाए, या फिर तेरे आने से वो संभल जाए और तेरे जाने से वो रुक जाए. जरूरी नहीं, जरूरी कुछ भी नहीं. जरूरी है सिर्फ अपने प्लेलिस्ट में एक गाना होना जिसका नाम है वो बारिश है. छह दिन पहले ये गाना आया है यूट्यूब के ऊपर. ऑलमोस्ट 13-14 लाख व्यूज है ना. 6.5 लाख वक्त तो ये सावन ऊपर संभाई चुकी है खाली 6 दिवस की अंदर. और गीत गायु है हमने, कम्पोज पर हमने पोते करू है, लख्यू है मनोज भाई है. अरे अर्जुन, आपकी पूरी करियर जो है ना उसमें मैंने एक चीज देखी है कि गुजरातियों का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है. अरे गुजराती ज्यादा बेस्ट है, सबसे बेस्ट है. सचिन जिगर, प्रिया सरैया, मयूरपुरी, निके निके शॉट आपको पता ही होगा. मयूरपुरी तो मेरा सबसे फेवरेट है अहमदाबाद से ही तो है. वही तो. दूसरी फेवरेट मैं होने वाली हूँ अहमदाबाद से. ऑलरेडी हो चुके हो. ऑलरेडी इन 2 मिनट्स आई एम सुपर फेवरेट ऑफ अर्जुन एंड थैंक यू सो मच यार. आप आई नो द डे इज वेरी बिजी एंड यू टुक टाइम आउट. बिल्कुल नहीं बिजी. स्टूडियो में आने के लिए आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर. वेरी वेरी हैप्पी. आपने मुझे रेडबुल पिला दिया बस, और कुछ जरूरत ही नहीं. बहुत सारे क्वेश्चन है मेरे पास. कुछ फैंस के क्वेश्चंस हैं जो इंस्टा पे आए हैं. आपके फैंस की क्वेश्चंस मुझे आए हैं इंस्टा पे. क्या बात कर रहे हो. मतलब आज ऐसा होने वाला है कि अर्जुन मुझे भी क्वेश्चन करेंगे. हाँ जी. पर सबसे पहले मतलब मैंने ज्यादा पढ़े नहीं है, मेरे फोन बंद हो गया. आपको जैसे पता है. हाँ, उनका फोन बंद हो चुका है. अभी बैटरी चार्ज हो रहा है. मैंने ही चार्जर दिया है. मैंने ऐसा डिसाइड किया है कि एक उनके फोन को मेरा चार्जर चार्ज करेगा और पूरे दिन इतने सारे क्वेश्चन वो सुन के आए होंगे तो उनका जो दिमाग है उनको भी हम चार्ज कर लेंगे. बिल्कुल. द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन क्या रहा आज इतने सारे रेडियो विजिट आपने किए. व्हाट डज म्यूजिक मीन टू यू. ओह, व्हाट इट मींस टू यू अर्जुन. इट मींस एवरीथिंग. यार मैं I am tired of answering questions like that. Really? Yeah. I wish that, you know, actually to be fair, बहुत सारे रेडियो स्टेशन में गया आज जो उन्होंने काफी अच्छा रिसर्च किया था. अच्छा. हाँ, काफी अच्छा. रिसर्च मैंने भी किया है. देखो आपके सुपर हिट गाने मैंने ऐसे लिखे हैं, खून चूस ले, मतलब गुजराती में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी लिख के लिखा रखा है उन्होंने. लेकिन आई फील लाइक उन्होंने भी अच्छा रिसर्च किया था ये स्टेशन पे. लेकिन एक जो स्टेशन बाकी रह गया था उसने पूरा सत्यानाश कर दिया. सत्यानाश मतलब क्या. उसने क्या पूछ लिया, ऐसा क्या पूछ लिया वो बता दो यार. एक टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो पता नहीं किसने, और मे बी ऑल आरजेस हैव लाइक अ वेबसाइट दे गो टू व्हाट टू आस्क अ म्यूजिशियन, लाइक ऐसा कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस रहता है जो सब म्यूजिशियंस को आस्क पूछ सकते हैं. और वो है ना, ये बंदे के पास था वो क्वेश्चन, सब क्वेश्चंस. व्हाट डज म्यूजिक मीन टू यू, टेल अस अबाउट योर जर्नी. ये दो जर्नी के क्वेश्चन तो आपके फैंस ने भी पूछे. मैंने बोला यार वो तो गूगल में भी. जर्नी तो यार विकिपीडिया चले जाओ, वो आप पूछना है तो ये पूछो कि बंदा सिंगल है या नहीं. करेक्ट. बंदे का दिल टूटा या नहीं. करेक्ट. उसकी प्लेलिस्ट में जो अपनी होती है ना, जैसे कि मेरा ऐसा टिक ठर की प्लेलिस्ट है जिसमें ऐसे धक धक करने लगा. हर किसी का प्लेलिस्ट होता है ना. देखो मॉनसून प्लेलिस्ट भी है. एंड आई हैव जस्ट एडेड योर सॉन्ग वो बारिश है. सो स्वीट. एंड आई रियली लव द सॉन्ग. आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर वन बारिश का गाना टू कम आउट. आई वाज वेटिंग फॉर वन बारिश. एग्जैक्टली. मेरा ऐसा गुज्जू में मैं बोलती हूँ तू आयो पर वरसाद ना आवियो. સેમ વસ્તુ અત્યારે થઈ રહી છે. વરસાદ નથી અમદાવાદમાં, પણ વરસાદની ઉપર જાણે ગીત ગાયું છે એ અમદાવાદમાં આવી ચૂક્યા છે. એન્ડ ધ સોંગ ઇઝ સો બ્યુટિફુલ. બટ ટેલ મી કે આપકે પ્લેલિસ્ટમાં એસે કોન કોન સે મૂડ હોતે. મેરા ના, મેં ઝાદા મ્યુઝિક સુનતા નહીં હું. આઈ ટેલ યુ વાય. બીકે મેં પૂરા દિન મ્યુઝિક બનાના હું. તો ફ્રી ટાઈમ ઝાદા મિલતા નહીં હૈ. રાઈટ. તો લેઝર ટાઈમ મેં મ્યુઝિક સુનના મેરા સબસે લો ઓન પ્રાયોરિટી હૈ. અચ્છા. ક્યુંકિ જબી મેં If I'm listening to music 14 hours a day, 10 ghanta se 14 ghanta main music sun raha hu, kya bana raha hu ya kisi aur ka music judge kar raha hu, to mujhe ghar pe jaake music nahi sunna hai. Acha. Mujhe silence chahiye. So the only time that I'm listening to music when I'm not working on music is either when I'm really listening to music, ki main
मुझे सुनना ही म्यूजिक, तो वो हफ्ते में 3-4 बार हो जाता है एक घंटे के लिए, नहीं तो मैं जिम में रहता हूँ अभी, तो जिम में मेरा प्लेलिस्ट है ना बहुत वेरीड रहता है, कभी कभी मेरे मूड पे रहता है, तो अगर मुझे एनर्जी चाहिए तो मैं रॉक म्यूजिक सुनता हूँ, अगर मुझे मैं ऑलरेडी जोन में हूँ तो मैं जैज सुनता हूँ, अच्छा अगर मुझे मैंने किसी के साथ झगड़ा किया है तो मैं मिथुन के सैड गाने सुनता हूँ, आई लव मिथुन के गाने, मिथुन के सैड गाने सबसे मस्त है, बीते लम्हे क्या बात है, मौसम क्या गाने बनाए उसने यार, ही मेक्स द बेस्ट म्यूजिक रियली, नहीं वो ऐसे वो है ना ऐसे लफ्जों में आप बता नहीं सकते कि वो क्या बना रहे हैं, पर वो जो भी बना रहे हैं ना ऐसे 25 साल बाद भी फीलिंग्स बना रहे हैं, हाँ वो ऐसे सीधा सोल को टच कर लेना ऐसा कुछ बनाते हैं, क्या बनाता है यार, हाँ बिल्कुल, तो आई लव मिथुन, आई लव मिथुन, आई डिड अ शो विद हिम रिसेंटली एंड ही इज अ, आई मीन आई हैव आल्सो डन अ सॉन्ग विद हिम, तो गाने का नाम है सनम मेरे सनम, सनम अगर आपने नहीं सुना है तो प्लीज जरूर जाके सनम मेरे सनम, सनम मेरे सनम, डू डू लिसन टू द ट्रैक, हाँ गाना जरूर सुनना, वो लिखा है साहित्य कदरी साहब ने और कंपोज किया है मिथुन सर ने और मैंने गाया है, दैट्स ऑसम, आई एम गोइंग टू लिसन टू द सॉन्ग एंड प्लीज श्योरली गोइंग टू ऐड दैट, इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल सॉन्ग, और मैं तो उनके सब गाने सुन रहा हूँ 15 साल से सुन रहा हूँ जब से उन्होंने शुरू किया है, उनके पहले एल्बम से लेके अभी तक इतना अच्छा काम किया उन्होंने कि सीरियसली यार, और एंड मुझे ऐसा लगता है कि जो एक ऐसा म्यूजिशियन होते हैं या ऐसे सिंगर्स या लिरिसिस्ट होते हैं जिनको बहुत ही हाइप मिली होती है, और एक ऐसे होते हैं जिनको कोई पढ़ी नहीं, भाई मैं गाने बना रहा हूँ तुम्हें पता भी नहीं है कि एक्चुअली तुम जो सुन रहे हो ना तुम्हारे दर्द में वो मेरा गाना है, दैट इज मिथुन फॉर मी, करेक्ट, आई लव हिज म्यूजिक, वैसे आपका शो कब होगा यार अहमदाबाद में, एक फैन बहुत करता हूँ यार मैं, बहुत करता हूँ यहाँ पर, लेकिन अभी बारिश के टाइम पे तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बारिश हमारे ओपन एयर होते हैं तो बाहर, अभी आपको पता है कि इंडिया में बारिश, सो यू बीन टू अहमदाबाद बिफोर 10-15 टाइम्स एट लीस्ट, ही इज बीन टू अहमदाबाद 15 टाइम्स, 10-15 बार तो, और आज पहली बार मुझे पता चल रहा है आराम से, मैं तो गौतम अदानी के घर पे भी परफॉर्म किया है मैंने, अरे तो वो तो मतलब सीरियस अहमदाबाद, तो नहीं मैंने आई बीन टू अहमदाबाद मेनी टाइम्स, आई परफॉर्म्ड एट ऑल द यूनिवर्सिटीज हियर, मेरा मोस्ट रीसेंट शो था वो PDPU में गांधीनगर, तो इज इन द सन अहमदाबाद, इट इज क्लोज टू अहमदाबाद एयरपोर्ट, तो अहमदाबाद ही आते हैं गांधीनगर, अहमदाबाद एक ही है, हां वही है ना, हां वैसे बॉम्बे वासी सेम, इट्स काइंड ऑफ, हां काइंड ऑफ बॉम्बे ठाणे वासी सेम थिंग, तो या तो आई हैव कम टू अहमदाबाद लॉट्स ऑफ टाइम्स, मुझे बहुत अच्छा लगता है यहां पर, दैट्स अनदर जनरल क्वेश्चन, व्हाट वुड यू लाइक टू टेल अस अबाउट योर फीलिंग्स अबाउट अहमदाबाद, व्हाट डू यू फील अबाउट अहमदाबाद, मैं बता देता हूं आपको, होटल बुक होता है ठीक है, सामान रखते हैं, सामान के बाद वो ऐसे दूसरे एक एक स्टेशन या मीडिया हाउस में जाते हैं और फिर वो अहमदाबाद का क्या फील करेंगे उनको खुद नहीं पता है, रोड से ज्यादा कोई आंसर होगा नहीं, मेरा यही सवाल होता है, मेरा यही जवाब होता है कि यार मैं आता हूँ यहाँ पर काम के लिए तो मैं कभी चिल नहीं किया अहमदाबाद, यू शुड कम यार एक बार नेक्स्ट टाइम जब आओ ना, आर यू अ फूडी, आई एम अ बिग फूडी, मैंने देन वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, मैंने आज डिसाइड कर लिया कि मैं सब 50,000 टाइप की खिचड़ी जो है ना अहमदाबाद में मैं सब खाने वाला हूँ आज ही खाओगे नहीं मैं ऑलरेडी 10 तो ट्राई कर लिया ओह ओके सो एक बार जब आपका शो मेक्सिकन वाला मेरा सबसे फेवरेट है ओह मेक्सिकन खिचड़ी खाया आपने मेक्सिकन खिचड़ी मस्त है डिड यू ट्राई इटालियन खिचड़ी मैंने तो बोला ना 10 खाए मुझे याद नहीं हां मतलब मैक्सिकन आपको याद है मतलब मैक्सिकन खिचड़ी इज गुड खिचड़ी के सारे वेरिएशन आपको इधर मिल जाएंगे अहमदाबाद में सो यू शुड कम टू आई मीन वी शुड हैंग आउट फॉर फूड I run a hashtag called Jor Food. So Jor is like जबरदस्त like गजब नो food. लोग ऐसे food porn लिखते हैं ना हम गुज्जू Jor Food लिखते हैं. तो वो question भी है मेरा वैसे कि बारिश होते ही आपको कौन सा food Jor Food लगता है? हम दाल वड़ा खाते हैं. हमें ना मुंबई में मिसल पाव खाते हैं. हाँ. मिसल पाव is basically like a it's like वड़ा पाव but मिसल is slightly different from वड़ा. हाँ. बहुत तीखा होता है. तीखा नहीं होता. तीखा कर सकते हैं लेकिन. Do you like spicy food? I love spicy food. You love spicy food. Do you like sweet? I love sweet also. मैं foodie हूँ यार मुझे सब अच्छा लगता है कुछ तो करा जो नहीं अच्छा लगता है actually कौन बनाता है उसके ऊपर है ना एक अच्छा खाना को भी कोई बकवास कर सकते हैं आपको आता है खाना मुझे खाना खाना आता है बनाना किसी और का काम है मैं गाने बनाता हूँ आप गाने बनाते हो ठीक है कुछ बारिश के ऊपर क्वेश्चंस है मेरे सुपर बारिश की पहली बूंद किसकी याद दिलाती है आपको मुझे याद आती है ऐसा जरूरी नहीं इंसान ही हो एनीथिंग अच्छा एनीथिंग हो पहली बूंद पर यार मुझे ना स्पोर्ट्स का बहुत शौक था स्कूल में
क्या खेलते हो? सब खेलता हूँ, जो सोचो मैं खेलता हूँ स्पोर्ट. मैंने प्लेड बास्केटबॉल एट द नेशनल लेवल, मैं पिस्टल शूटर हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ पिस्टल शूटिंग, गोल्ड मेडलिस्ट हूँ पिस्टल शूटिंग में. आई शुड प्ले क्रिकेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, प्ले फुटबॉल एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल, आप जो सोचो मैं सब खेलता हूँ. सो आई यूज्ड टू थिंक अबाउट फुटबॉल व्हेन इट रेन्ड, बिकॉज इट वाज द ओनली स्पोर्ट वी कुड प्ले. वाओ, बारिश की पहली बूंद फुटबॉल की याद दिला दिया. क्या मजा आता है बारिश में फुटबॉल खेलना, क्या सुपर लगता है. सो ऑनेस्ट, नो गर्ल इन ऑनेस्ट. ओके, बारिश होते ही जो खुशबू आती है वो कौन सा भीगा पल याद दिलाती है? आपके इतने क्वेश्चन इतने डीप क्यों है ऐसे? मैं भी तो बहुत डीप हूँ, बहुत चीज़ी था. एक्चुअली बहुत चीज़ी था, बट क्वेश्चन अच्छा है. क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये है कि बारिश होते ही जो खुशबू आती है ना उसकी, उसका हाँ वो खुशबू जब तुम सांसों में लेते हो तो कौन सा भीगा पल तुम्हें याद आता है? वो जो खुशबू होती है ना, वो पानी जब ही इट हिट्स द सॉइल, वो प्लांट्स का जो स्मेल आता है ना, तो वो है ना, वो बचपन की याद दिला देती है. इतना डीप आंसर, बचपन की याद दिला देती है. बचपन कैसा था आपका? मस्त था. फन? फन सुपर. आई वाज एक्चुअली नॉट फन, एक्चुअली नॉट फन, आई एम लाइंग फुल्ली. हां यार, मेरा बचपन एकदम एज इन दैट सेंस तो मैं बहुत बोरिंग था. आई वाज अ नर्ड. नर्ड? हाँ, तो मैं स्पोर्ट्स भी खेलता था लेकिन नोबडी लाइक मी, आई वाज अ चीटर. यू? आई नेवर लाइक टू लूज, तो मुझे हारना बहुत बेकार लगता. तो मतलब आपने कभी मतलब मेरा बैट मेरा बॉल है मैं लेके जाता था घर पे, ऐसा है. डिड यू फॉल इन लव एवर? फॉल इन लव मेनी टाइम्स. उसके बाद मैं उसमें भी चीटर वाला रहता था? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. हैव यू एवर चीटेड? आई हैव, बट नॉट लाइक, इट्स नॉट बीन लाइक इंटेंशनल कि मैं चीटिंग करने वाला हूं. हाँ मतलब आपने बोला कि मुझे ऐसे, मैं हारना मुझे पसंद नहीं था. नहीं ऐसी बात नहीं है, बचपन में तो हारना मुश्किल था मेरे लिए, लेकिन अभी नहीं है. अभी आप नहीं हारते हो? मतलब अभी आप प्यार में हो? अभी प्यार में फिलहाल तो नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, सिंगल एंड रेडी टू फिलहाल. इस पल में वो सिंगल है. इस पल में हाँ. पहली बारिश की पहली किस एट द एज ऑफ व्हाट? ये सब इंटरनेट पे डाल देंगे ना तो फिर इट्स फॉरएवर ऑन द इंटरनेट, ये प्रॉब्लम हो जाता है. तो क्या हुआ, पहली बारिश में पहले किस किसको कौन से एज पे की थी? अभी नाम तो नहीं जानना है हमें, एज तो जान सकते हैं ना कि कौन से साल से तुम रोमांटिक थे, कौन से साल से बारिश से मोहब्बत हुई. आई स्टार्टेड डेटिंग व्हेन आई वाज 12 और 13. ओके, तो शायद उसी वक्त होगा व्हेन आई वाज 12 और 13. शायद भी डाल दिया, होगा भी डाल दिया, तो क्या है कि ऐसे 10 साल बाद आप समझ के समझ लो. बारिश पे बने तीन गाने जो दिल के बहुत करीब हो. बारिश के तीन गाने जो दिल के बहुत करीब हो. वो लम्हे वो बातें, मिथुन का ही गाना है वो लम्हे. फिर और कौन सा है, मैं बोलना चाहता हूँ टिप बरसा पानी, लेकिन अभी okay. उसको रीमेक कर रहे हैं तो मैं, मुझे थोड़ा दर्द हो रहा है, अंदर से कुछ हो रहा है. So it's soon going to become not my favorite song. Yeah. Or, you can always say, no, the original. The original. The original. Tip Tip Barsa Pani, the original. Or, because I'm a hipster, you know, I like the original stuff, not like the remakes and recreations and stuff, yeah. And third? I think the third is a song which is not associated usually with rain. Okay. But I feel very good in the rain. Tu Hi Re from Bombay. Matlab apni choice same hai. अरे हम लोग बेस्टीज है, बेस्टीज BFF. अदिति अर्जुन BFF, लाइक देयर इज अ हैशटैग नाउ. सो अदिति अर्जुन BFF. बारिश के ऊपर आखिरी सवाल है ये मेरा कि बारिश फ्रेंड्स फॉरएवर. हम ऐसा कहेंगे, हम बारिश फ्रेंड्स है, हम सीजनल फ्रेंड्स फ्रेंडशिप रखने वाले, हम सिर्फ बारिश में बात करेंगे कि इस बार क्या है. कभी ऐसा हुआ है कि बारिश होते ही ऐसा मन किया कि मैं अब लिख भी डालूं? आप पूछ रहे थे ना बारिश का के पहली बूंद से आपको किस कौन याद आता है, आप नेक्स्ट ईयर से आप मैं याद आऊंगी नेक्स्ट ईयर से. हाँ नेक्स्ट ईयर से ऐसे जैसे बारिश की. अरे अदिति अदिति कहाँ हो? अदिति कहाँ? अदिति मुझे फोन करना पड़ेगा अदिति को. अरे यार मुझे तो ऐसा होता है कि बारिश की पहली बूंद से बहुत कुछ याद आ जाता है. अच्छा बताओ, शेयर विद द ऑडियंस प्लीज. मेरा मैं अभी शेयर नहीं कर सकती.
तो बारिश में भीगना पसंद है या छाता लेके भीगना पसंद है? दो टाइप का भीगना होता है ना, एक तुम पूरे भीग जाओ। देखो मैं रेनकोट पहन के आया हूं। वही तो यार, ये बंदा रेनकोट पहन के आया, तभी मैं ऐसा सोचू अरे ये क्या हो गया, वो बारिश लिखा हुआ, सॉरी वो बारिश गाया है इसने, जिसके गानों में हम भीग जाते हैं कि यार मतलब कितने लोग ऐसे मोहब्बत के उसमें चले जाते हैं, यू नो। I really like the lyrics also. Beautiful. I always focus on the lyrics first. Manoj sir has killed it, I think. Yeah, yeah. He is one of my favorite lyricist. Yeah. And तुम हो कि बस बारिश से बचने के लिए ऐसे क्या है ये कौन सा बचाएगा मुझे बारिश से? इससे ये कौन सा बचाएगा? Are you romantic? I'm very romantic. Hopeless. सच में बोल रहा हूँ मैं। अच्छा अजहर करके, अभी फाइव क्वेश्चंस में ले रही हूँ, अजहर करके एक बंदा है, उसने ऐसा लिखा है कि कभी न्यू लिरिसिस्ट है जिसने कभी किसी के साथ काम नहीं किया, एंड इफ दे अप्रोच यू ऑन इंस्टाग्राम क्या आप उसके साथ एसोसिएट होंगे? देखो, डू यू गेट सच रिक्वेस्ट? बहुत आते हैं ऐसे, मुझे मेरे दिमाग में नहीं है कि बहुत एस्टैब्लिश लिरिसिस्ट होने की जरूरत है, लेकिन मैंने ये देखा है कि लिरिक्स आर समथिंग ना दैट कम विद प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस नॉट ओनली ऑफ लाइक राइटिंग बट प्रैक्टिस ऑफ फेलिंग। तो क्या होता है कि नए नए लिरिसिस्ट ना, दे हैव नॉट फेल्ड, दे हैव नॉट फेल्ट, दे हैव नॉट गॉट दैट फीडबैक येट कि क्या चल रहा है जमाने, इस जमाने में इस जनरेशन को क्या चाहिए, क्योंकि उन्होंने कभी कुछ रिलीज ही नहीं किया है। तो खुद को सबको खुद का काम अच्छा लगता है कि मैंने इतना अच्छा लिखा है यार, इसको क्यों नहीं अच्छा लग रहा है। लेकिन जब आप पब्लिश करोगे ना आपका कुछ, तो आपको पता चलेगा कि हर जो बंदा जो पहली बार को जो लिखता है ना, ऑलवेज इनकम्प्लीट रहता है मेरे हिसाब से। तो आई हैव नो प्रॉब्लम इफ आई सी समथिंग एंड आई एम लाइक अरे यार ये तो बंदा बहुत ही अच्छा है यार, फिर भी मैं 10 बार सोचूंगा क्योंकि ये टेस्टेड नहीं है। एंड दैट्स द थिंग अबाउट लिरिक्स इज दैट इट्स ऑलवेज अ फीडबैक प्रोसेस, कि इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी। And it's a very helpful answer to those who really want to be a lyricist in this industry. Yeah. Because you should know कि एक musician जो है, जो create करते हैं, जो गाते हैं, वो exactly क्या सोचते हैं lyricist के बारे में, कि उनको कैसे lyricist के साथ काम करना है। मैं नहीं कहता कि अगर आप बहुत अच्छा कुछ लिखा है तो प्लीज जरूर मुझे भेजिए, मैं जरूर पढ़ूंगा, लेकिन आप be ready for the criticism also. डिस्करेज मत हो जाना जब मैं actual feedback देता हूँ, क्योंकि मैं बहुत honest बंदा हूँ, अगर मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैं इमीडिएटली बोल देता हूँ। कौन बोलता है कि बारिश की पहली मुझे फुटबॉल की याद दिलाती है? नहीं, लेकिन मैंने पिछले हफ्ते किसी ने मुझे अपने गाने भेजे थे कि सर आप देख लीजिए मेरा क्या इस गाने है सब, मैंने ये लिखा है, R&B लिखता हूँ, मैं पॉप लिखता हूँ। मैंने बोला भाई तेरी एज क्या है? सर आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। सर ग्रेट, भिजवाओ। मैंने 19 पे मैंने पहली कॉम्पोजिशन 19 पे की थी। ओह वाओ, तो प्लीज सेंड इट अक्रॉस। मैंने सुना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। I thought it was very immature, very unfinished, बहुत shallow था मुझे। तो मैंने जब भी उसको feedback दी, he said that, I didn't tell him so meanly of course, but मैंने जब भी feedback दी उसको, तो he felt like यार ये क्यों बोल रहा है, मतलब इतना mean क्यों बन रहा है। मगर my point was कि भाई अगर आप मुझे भेजने वाले हो तो मैं, आप मेरा time ले रहे हो कि आपके work को review करना, right? तो मेरा हक बनता है कि जो मेरे दिल में है मैं आपको बोलूँ, because I feel like you're taking my time, it's my job to give you honest answers, same the way I do review movie reviews. आपका कोई टाइम बर्बाद करेगा तो आप उसको छोड़ेगा ही नहीं यार, कैसे कर सकती हूँ मैं? मैं भी जब पिक्चर देखने जाती हूँ, फॉर एग्जांपल रिसेंटली आई वॉच्ड द फिल्म कबीर सिंह, एंड उसमें आप देखे होंगे मिक्स रिव्यूज आ रहे हैं। मैंने देखा नहीं है अभी तक, लेकिन पिक्चर के लिए बहुत सारे मिक्स रिव्यूज है। नाउ आई लाइक द फिल्म, तो जितनी भी फेमिनिस्ट है उनको ऐसा लग गया, अरे लड़की हो के तो ऐसे पिक्चरों को कैसे ऐसे अच्छा बोल सकती है। मैंने बोला भाई मेरे को पिक्चर की तरह अच्छी लगी यार, एंड आई एम, तो मेरे को ये समझ में नहीं आई, आई डोंट नो व्हाट द फिल्म इज अबाउट, तो आई हर्ड दैट देयर इज समथिंग, कैन यू टेल मी व्हाट दैट इज? आई डोंट नो व्हाट इट इज। बेसिकली कुछ ऐसे सीन्स है जिसमें ऐसा, वो एक तो वो बाय डिफॉल्ट ही बहुत ही थोड़ा साइकिक दिखाया है, थोड़ा अग्रेसिव दिखाया है, और डोमिनेटिंग है, कंट्रोलिंग है, और वो कुछ ऐसे सीन्स है जिसमें वो लड़की को ऐसे, जैसे कुछ एक सीन ऐसा है जिसमें वो जबरदस्ती करने पर आ जाता है, करता नहीं है पर करने पर आ जाता है, जब उसको ऐसा होता है कि मुझे कुछ करना है अभी के अभी, पर उसको लड़की नहीं मिलती है। दूसरा, अपनी गर्लफ्रेंड के घर पे जब जाता है और वो क्लियर कट बात कर रहा है, तो अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे झापट मार देता है, भाई तेरे क्या टाइम वेस्ट कर रही था क्या मेरा, उस टाइप का सीन है वो। तो डोमिनेटिंग भी है, थोड़ा वायलेंस है, बट लड़की को उससे प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम उसको कहानी के तौर पर देखो तो वो उनका पर्सनल मैटर है, लड़की की परमिशन के बिना वो उसको छूता नहीं है जब उसके प्यार में होता है। ही इज सेइंग दैट आई एम इन लव, जब उसकी गर्लफ्रेंड उसको ऐसे भी देखती है ना कि यार कि तू कबीर के साथ पूरी रात थी, तूने क्या किया, तो वो उसमें भी उसको गुस्सा आता है कि उसकी दोस्त ये नहीं पूछ सकती थी
कि शादी का प्लान है या नहीं, मैं क्या उसके साथ टाइम पास कर रहा हूँ, उसको समझा देना मैम सीरियस इन रिलेशनशिप. तो वो बहुत सीरियस होता है उस लड़की को, के पॉसेसिव होता है, उसको लगता है ये मेरी बंदी है, किसी और की नहीं हो सकती. ही इज दैट काइंड ऑफ अ लवर. तो किसी को नहीं अच्छा लगा, बट मेरे को एज फार एज लव स्टोरी इज कंसर्न आई रियली लाइक द कैरेक्टर प्लेड बाय शाहिद कपूर. तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि तुम कैसे तारीफ कैसे कर सकते हो, मैं ऐसे राउडी हो सकती हूँ, क्योंकि आई वॉज ऑल्सो इन स्पोर्ट्स, आई कैन अंडरस्टैंड दैट. वो जो चीज़ होती है ना, इफ आई एम इन लव विथ यू देन आई एम लाइक तू मेरा बंदा है भाई, एंड इफ आई एम पॉसेसिव फॉर यू एंड इफ यू आर नॉट माइंडिंग इट तो कौन है, दुनिया के है. आई हैव टू सी द फिल्म. मैं अभी कुछ बोलना नहीं चाहता. मैंने बहुत सारा क्रिटिसिज्म सुना है फिल्म के बारे में, मगर कुछ समझ में नहीं आया अभी तक. हाँ, बिकॉज आई बीन जस्ट ट्रैवलिंग एंड आई नॉट बीन एबल टू सी इवन लाइक अ प्रॉपर रिव्यू. Yeah, so it's very difficult to give the honest opinion when someone sends you a song and you know they're writing. Or maybe. So, आपने 19 पे गाना पहला बनाया था. So, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मेरे जो मेरा reject हुआ था. हाँ. ऐसा नहीं कि publish हो गया था. वो reject हुआ, फिर उसके बाद 10 गाने और reject हुए और उसके बाद आया एक गाना. Oh, so तो आपके लिए career changing song कौन सा रहा according to you? लोग ऐसा बोलते हैं कि जैसे कोई बोलेगा निके-निके shot है, कोई बोलता है निके-निके shot for sure. है ना? मैं एक्चुअली 2014 में डिप्रेस हो गया था, क्योंकि मेरा वो खून चूस ले वो एक गाना था गोगुआ गॉन में. हाँ. और वो बहुत बड़ा हिट हुआ था, लेकिन मेरे करियर के साथ कुछ नहीं हुआ उसके बाद. हाँ. तो गाना हिट हो गया, लेकिन लोग बोल रहे थे यार मेरे को फ़ोन नहीं आ रहे थे, फ़ोन आ रहे थे तो एकदम बकवास गाने के लिए आ रहे थे, जो मुझे काम करना था उसके लिए फ़ोन आया नहीं था. तो मुझे बैलेट्स गाने थे, जैसे आपको अभी पता है मैं बैलेट्स बना रहा हूँ, तो सिर्फ मुझे पार्टी गाने के लिए फ़ोन आ रहे थे. तो मैं डिप्रेस हो गया, मैं सोचा कि एक साल मैं छोड़ देता हूँ ये, मैं एक्टिंग कर लूँगा, सीख लूँगा. तो मैं न्यूयॉर्क गया था, वहाँ पर एक बहुत अच्छा स्कूल है एक्टिंग का, इट्स कॉल्ड द ली स्ट्रासबर्ग स्कूल ऑफ थिएटर एंड फिल्म. एंड वहाँ पर मैंने एक साल एक्टिंग किया, म्यूजिकल थिएटर पढ़ी. ओह म्यूजिकल थिएटर, दैट्स ऑसम. तो आई केम बैक थिंकिंग टू आई मीन बॉम्बे थिंकिंग दैट यार मुझे तो एक्टर बनना है. मैं तो बॉम्बे में जाके सब कास्टिंग डायरेक्टर को मैं फ़ोन लगाने वाला है, और फिर मेरे को पिक्चर में रोल मिलेगा, फिर मैं दिखाएगा सबको कि मेरे को गाना नहीं दिया, मैं खुद के गाने गाऊंगा फिल्म में, ये सोच के आया था मैं. पर आपके इंडी सॉन्ग्स एक्चुअली बहुत बहुत ब्यूटीफुल है. आई वाज जस्ट लिसनिंग टू द कुछ ऐसे गाने होते हैं ना कभी कभी मिस हो जाते हैं. सनम मेरे सनम जैसे आपने नहीं सुना. या एग्जैक्टली, वो मैंने नहीं सुना है, बट आई रियली लाइक. सो म्यूजिक का जो अभी सीन चल रहा है, पहले ऐसे 90s में ऐसे इंडी पॉप बहुत चल रहे थे, अभी रिसेंटली ऑल थैंक्स टू good music companies, they are also now interested in promoting the artist, they are coming up with the solo song. ऐसा नहीं है कि सिर्फ बॉलीवुड में गाया तो ही हिट होता है अभी, वो मुझे ऐसा लग रहा है. What do you think about it? बहुत चेंज हो गया है. मैं जब भी 2015 में, it's only been 3 years since I've been doing indie also, non-film. तो 2015 में सितंबर में बाकी बातें पीनी बात रिलीज हुआ था. और वो टाइम पे जब भी मैंने गाना बनाया था, मैं सब रेडियो स्टेशन के पास गया था, मैंने बोला था ये मेरा नया गाना है, प्लीज प्ले इट ऑन योर स्टेशन. यार ये क्या है यार, ये मुझे समझ में नहीं आता यार, ये तो मतलब ये बहुत स्लो है गाना, एनर्जी नहीं है गाना. तो बोले यार ये दिस इज द फ्यूचर यार, दिस इज ट्रैप म्यूजिक, इट्स हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये सब लोग यही सुन रहे हैं. नहीं यार इसमें ये डांस म्यूजिक जैसा नहीं लग रहा है यार मुझे, इट्स लाइक कौन एक्टर भाई, मैं एक्टर में ही हूँ यार, मेरा वीडियो है, मेरा एक्टर तुम ही हो, मतलब तुम्हारे वीडियो में कोई एक्ट्रेस एक्टर नहीं है, फेमस कोई नाम नहीं है. नहीं भाई अच्छा गाना है, लेकिन सुन लेना आप एक दो बार, फिर आपको अच्छा लगे शायद. नहीं यार नॉन फिल्म नहीं बजाते हम लोग, ये हम उन लोग का स्टैंडर्ड था, नॉन फिल्म नहीं बजाते. अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक यार ये अच्छा चलता है इंटरनेट पे, लेकिन हम रेडियो स्टेशंस पे टीवी चैनल्स पे नहीं बजाएंगे. बोला ठीक है भाई. फिर गाना इंटरनेट पे बहुत बड़ा हिट हो गया और सब लोग बजा रहे थे. गणपति में मैं एक बार जा रहा था, एक मंडल चल रहा था, और वहाँ पर सब लोग ऐसे जा रहे हैं मेरे यार मेरा प्यार. मैं तो चेंज हो गया सब कुछ. तो मैंने ये सब वीडियोस लेके है ना, मैं सबको भेजते रहा. और मेरा जो बंदा है संदीप, हु इज कम विद मी टुडे, ही इज बीन विद मी फ्रॉम बाकी बातें एज अ प्रमोशंस गाय, वी वर बोथ टुगेदर एट सोनी म्यूजिक फर्स्ट, नाउ वी वर्क एट यूनिवर्सल. आई वाज आल्सो वर्किंग विद संदीप इन दैट फिल्म. हां करेक्ट. तो मैं उसको भेजते रहता था ये वीडियोस, एंड ही केप्ट शोइंग एवरीबॉडी, ये देख यार ये क्या हो रहा है, दिस इज अ डिफरेंट सॉन्ग. तो गाना बहुत बड़ा हिट हो गया, इवेंचुअली रेडियो प्लेड, इवेंचुअली टीवी प्लेड इट, एंड देयर वर वेरी फ्यू रेडियो स्टेशंस दैट वर प्रमोटिंग अस. And I really love the way the promotion happened on Twitter, the lyrical one. हाँ जी. I was a part of that. You were? Yeah, yeah. Twitter पे ऐसे गुजरात में चलता नहीं. I am the only one ऐसा लगता है कभी-कभी के Twitter अब चल रहा है. तो anyway मैंने जब भी actually second time जब भी गया already गाना hit हो चुका था. वो सेम जो आरजीज बोल रहे थे ना ये गाना हिट गाना नहीं, और दे वो डांसिंग एंड मेकिंग वीडियोस टू द सॉन्ग, मुझे बहुत खुशी हो रही थी. लेकिन वो टाइम से और अभी तो बहुत फ़र्क है. अभी वो सेम आरजीज मुझे फ़ोन करते हैं, अब यार तेरा नया गाना कभी रिलीज़ हो रहा है,
लास्ट गाने हम लोग हाई रोटेशन पे चल रहे थे, तेरे एयरचेक चार्ट पे है. इफ समवन डजंट नो व्हाट एयरचेक चार्ट इज, इट्स बेसिकली द टॉप 20 काउंटडाउन फॉर रेडियो ऑन द इन द कंट्री. तो तेरा गाना एयरचेक चार्ट पे डाल देंगे, ये कर, मतलब वी विल ट्राई टू पुट इट ऑन द चार्ट्स एंड नोबडी कैन गारंटी इट. बट व्हाट आई एम सेइंग इज दैट नाउ दैट इज द एटीट्यूड कि नॉन फिल्म मतलब बड़ा गाना है. और कोई कोई आर्टिस्ट के तो नॉन फिल्म गाने तो इतने बड़े हिट होते हैं कि जो बहुत टाइम से कर रहे हैं, जैसे आपका फेवरेट दर्शन रावल, he's killing it. मतलब फेवरेट मेरा गुजरात का फेवरेट दर्शन रावल, he is a big star here, he's big star in Bombay also, but yeah. I really respect that guy because he started non film around the same time I did. I respect him, I respect Pacha bhai for starting it way before us. मैं कहूँगा तो फिर I think the Honey Singh was the original OG. उसने पूरा restart किया उसको. तो I think him, Pacha bhai, Diljit Dosanjh, all these guys are the superstars of that era. Yeah. They've become superstars because they've been doing it for 7 years. I've been doing it for 3. So I'm hoping my career takes the same kind of up. Yeah, yeah, yeah. I'm pretty much sure about it. Yeah. But, इन सब की जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग भी रही होती है. So बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग. Yeah, yeah. ये जब इस सीन से, जब इस सपोज नॉन-फिल्म सीन से जो स्टार्स बन रहे हैं ना, वो बहुत अच्छा साइन है. You should listen to other singers also from Gujarat. Like there is a folk singer Aditi Garbi. He is doing amazing. He has also A.R. Rahman Institute mein se padha hai, and okay. He has also performed with Rahman sir. Super. Then there is a Kushal Choksi who has sung with Amit Trivedi. To uska bhi gana aaya tha Super Secret Superstar ke andar. Wo bhi, he is what 96 born guy, but original Gujarati bhi bana raha hai. Hamara Gujarati music scene bhi abhi acha ho raha hai na. All thanks to Sachin Jigar and other people. Fantastic. Finally. Yeah. So there are two musicians who are very famous, Sachin Jigar and Parbharat Thakkar. They are making amazing songs. So by any chance, are you planning to sing a Gujarati song if you get a chance? I would love to. You would love to. You'd... Guys, this is an open invitation to all Gujarati music directors because I don't write in Gujarati. So I can't make a song in Gujarati. But because I don't have a lyrics connection with lyrics, I won't be able to understand if it's good lyrics or bad lyrics. So you focus on the lyrics first. I would, yeah, lyrics and melody. These are two things which are most important. Melody bana sakta hun, so if somebody wants to collaborate with me, I'm happy to collaborate with you in Gujarati. If a music director wants me to sing his song in Gujarati, I would love to do it. Main already Tamil mein ga chuka hun. You guys should approach him. I've sung in Tamil, Telugu, Bengali, Punjabi, and Hindi and English. So, and all the songs I've released, they've come in films. Tamil I found the most hard, very, very difficult language to sing. Yeah, I'm sure. क्योंकि है ना उसमें है ना कोई कोई वर्ड्स है जो हमारे अपनी टंग है ना उसके लिए वो हैबिचुअल नहीं होती है ना. तमिल कुछ अजीब ही है मतलब. हाँ तो मुझे बहुत टाइम लगा. आई डिड इट विद अनिरुद्ध रविचंद्रन, ही इज अ बिग स्टार इन द साउथ. और उसका एक गाना है सिरिकादे जो मैंने गाया है एक फिल्म में रेमो. सो रेमो में बहुत बड़ा हिट हुआ था वो गाना. अच्छा तो इट वॉज आई हैव सॉन्ग दैट सॉन्ग देन आई सैंग सॉन्ग इन तेलुगु विच फॉर द लाइफ ऑफ मी आई कांट रिमेंबर स्टिल the name of the song, but I'll send it to you guys. I sang a song called La 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 in Punjabi with Neha Kakkar. Mm-hmm. Of course, parts of Nikki Nikki Shorts also and in Punjabi as well. So, Punjabi mein to sab, abhi maine ek Tuna Mera ka naya version bhi release kiya hai, wo Punjabi mein. So, I think that languages come very easily. So, I would love to sing in Gujarati. Guys, please, main to aapko bol raha hu ki I would love to do, main free mein karunga. Chalo karo. ऐसा पूछा है कि आपको कभी भी ऐसा मतलब कभी ब्रेकअप वाले फेज में गए हो आप? कोई दर्द मिला है आपको कोई जीवन में जिसने ऐसा म्यूजिक में कॉन्ट्रीब्यूट किया? एक बार नहीं, 10 बार मिला. 10 बार मिला है? सबसे बड़ा वाला कौन सा था जिसकी जिसके बाद आपने कोई गाना बनाया और वो बहुत अच्छा हुआ? हुआ था जैसे गाना तो बता दो. आई थिंक द सॉन्ग इट्स आई थिंक इफ देयर इज एनीथिंग दैट इज अबाउट पेन दैट डजंट लीव यू विद वन सॉन्ग थोड़ा थोड़ा इट विल कम इन एवरी सॉन्ग दैट मेमोरी दैट लिटिल बिट ऑफ दैट फीलिंग विल कम. आई थिंक वो बारिश है द लास्ट 3 सॉन्ग्स हैव बीन लाइक अ कल्मिनेशन ऑफ दैट फीलिंग. वेरी ऑनेस्ट कौशल है वो पूछ रहा है कि हु इज योर गुरु इन द म्यूजिक इंडस्ट्री. Do you have any guru जिसको तुम मानते हो? बहुत सारे हैं. I feel like everyone you can learn something from. मुझे लगता है कि आजकल की generation को तो मुझे मेरे से बहुत ज़्यादा आता है. I look for something in a person where there is conviction. So if अगर आपको लगता है कि आपको बहुत अच्छी तरह से आपको कुछ आता है तो मैं ज़रूर आपसे कुछ कोशिश करूँगा सीखने के लिए. Of course the greats are there like रहमान सर, मिथुन सर, अमित त्रिवेदी. I think these guys are legends in their field. लेकिन
आई फील लाइक यू कैन लर्न समथिंग फ्रॉम एवरीबडी. आप देखने जाओगे तो छोटे छोटे आर्टिस्ट को भी कुछ सिखाना बहुत ईजिली मैं सीख लेता हूँ उनसे. बिकॉज यंगस्टर्स का क्या है ना, वो अभी तक वो फेज में है जो उन्होंने करियर पे डिसाइड नहीं किया, तो उनका सीखने का चालू हो जाता है वो. जितना मैंने वो एज में सीखा था, मैंने उसके बाद वो जो क्या बोलते हैं वॉल्यूम जो रहता है ना सीखने का, वो कम होते जाते हैं विद एवरी ईयर, बिकॉज यू गेट स्टक विद अदर थिंग्स. आपके पास टाइम नहीं रहता, राइट? तो 18, 19, 20, 21 आपके पास बहुत टाइम रहता है. हाँ, तो जो भी अगर म्यूजिक में एक्चुअली करियर बनाना चाहता है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साल है 18 से 22. नहीं, जब भी कर लो, लेकिन आपके जो सीखने के जो साल है ना 4-5 साल, उसमें जितना सीख सकते हो सीख लो. क्योंकि बाद में जब भी आप काम करना शुरू कर लोगे ना, जैसे जब मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, दिन में हम लोग 10 इंटरव्यूज देते हैं, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस रियाज भी करते हैं जितना कर सकते हैं, जिम भी जाते हैं क्योंकि दिखना भी अच्छा लगता है, जरूरी हो गया. देन आई वुड से वी ट्रैवल ऑल्सो अलॉट, प्लेन में आगे पीछे सोने को टाइम नहीं मिलता है. हमारे शोज रहते हैं, हमारे रिकॉर्डिंग्स रहते हैं, हमारे कॉम्पोजिशन के सेशंस रहते हैं, और टीम्स के साथ मीटिंग्स रहते हैं, फिर सोशल मीडिया करना पड़ता है. दिन में कैसे भरे ये सब, एंड देन एट द सेम टाइम कीप लर्निंग. वो दिन में तो 24 घंटे ही होते हैं. तो ना, कौन सा गाना सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा वायरल हुआ है ऐसे निके निके शॉर्ट से? आई थिंक वाज आया ना तू. हां, वो बहुत बड़ा हिट हुआ था. स्ट्रीम्स, आप स्ट्रीम्स देखने जाओगे तो आई थिंक सावन पे ऑलमोस्ट 30 मिलियन इज 3 crores. वो या 3 crores, 3 crore हो गए. दैट्स ऑसम. सो व्हिच सोशल मीडिया यू लाइक द मोस्ट? आई मीन Instagram, Snapchat, TikTok. डू यू अंडरस्टैंड TikTok? आई डू अंडरस्टैंड इट. डू यू डू इट? I do once in a while, गाने के प्रमोट करने के लिए तो कर लेता हूँ. तो अभी मेरा गाना चला है तो जरूर बहुत टिकटॉक करूँगा जब तक गाना प्रमोट करना हो. I actually feel like TikTok is a very good platform क्योंकि उन लोग ने ना masses को एकदम penetrate कर लिया है. Yeah, I'm sure. You know? उसका, it's a number one application. हाँ. So. तो आप देखने जाओगे तो उनका user base देखिए. All thanks to Jio. Yeah, but superb है. मुझे लगता है कि इन लोग जिसने कभी YouTube देखा ही नहीं था, अभी उन लोग वीडियोस बना रहे हैं, which is amazing. बहुत easy हो गया ना, उनके स्मार्टफोन सबके पास है. या. जैसे अभी YouTube वीडियो बनाने के लिए आपके पास कैमरा रहेगा, right? They don't need that, they just need their phone, यार. तो I feel it's a good thing. मेरा favorite app अगर बोलना हो तो मुझे मैं बोलूँगा Instagram. You like Instagram? सबसे ज़्यादा मैं बहुत active हूँ ना. अभी हूँ. The last 3 months, 3 महीने से मैं active हूँ क्योंकि मैंने ना I think January February तक I had posted only 25 times. और मेरे मैनेजर मुझे फोन करते बोलते हैं, भाई तू क्या कर रहा है यार? Yeah, it's like you're dead on Instagram. तू you've posted 25 times in the last 4 years. That's so bad. It's very bad. 25 तो मेरा एक महीने में भी नहीं होता, मतलब 3 week में हो जाता है. I love all the application, मतलब मैं तो Insta, Snapchat. आजकल होना पड़ता है ना सब कुछ. मेरा तो काम ही उसी के ऊपर है. So yeah, I really like that. So I was a musician. मैं तो proper artist हूँ. मुझे तो ये तो समझ में नहीं आता है. अभी मैंने कोशिश किया है सीखने का. लेकिन मेरा एक इंटर्न है ऑफिस में, उसका नाम है नीमो. अभी तो इंटर्न ना रहा, अभी तो मीडिया असिस्टेंट होते हैं इंटर्न. नीमो मार मत मेरे ऐसा हो जाता है. और ये मेरा जो इंटरव्यू होता है वो एडिट नहीं होता है, ऐसे वो पूरा वन टेक जाने वाला है. नहीं, नीमो इज अ गुड स्पोर्ट, बट नीमो इज अ 20-year-old kid from Bhopal. Okay. And my team is very young in that sense. I have Aniket, who's about 26-27. Nemo, the Sweta, who's my manager. Everybody's under 30. Okay. So there are 4-5 other people. So it's a very young team. Very young team. Hamara hai na ek ritual rehta hai. I reach the office, my studio. Hum log sab baith ke PUBG khelte hain. Oh. 2 ghante. 2 ghante ke liye. 2 ghante ke liye PUBG. The most busiest person have 2 hours of his life every day for PUBG. नहीं, वो तो स्टूडियो रिकॉर्डिंग डेज पे है. वी हैव फुल डेज फॉर राइटिंग सेशंस. ओके. तो राइट म्यूजिक. ओके. देन वी राइट फॉर 14 आवर्स. ओके. तो आफ्टर दिस 2 आवर्स ऑफ पबजी फिर हम लोग बैठते हैं, म्यूजिक बनाते हैं, सब लोग बैठते हैं रूम में साथ में बनाते हैं. एंड दैट्स हाउ गुड म्यूजिक कम्स, बिकॉज आई फील लाइक वो कभी कभी पबजी भी नहीं खेलते, कुछ और भी खेल लेते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, बाहर जाके कुछ करते हैं. लेकिन आई फील लाइक दैट दैट कनेक्शन विद योर टीम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. या, यू कांट जस्ट बी वर्क ऑल द टाइम. ऑल्सो यू हैव टू, म्यूजिक इज ऑल्सो आई वुड से प्रोडक्ट ऑफ लाइफ. क्योंकि जो experiences you have in life, they also influence your music, influence your
अगर मोटिवेशन नहीं होगा ना गाने लिखने के लिए तो कभी गाना नहीं बनेगा. तो हु इज योर मोटिवेशन? लाइफ इज माय मोटिवेशन. योर लाइफ? हां, माय ओन लाइफ. जो मेरे जिंदगी में जो एक्सपीरियंसेस है मेरे, मैं उसको ट्राई करता हूं लाने में, गानों में. और ऐसे नहीं होगा कि मैं सैड हूँ तो मैं सैड गाना लिखूंगा. मगर अगर मैं सैड हूँ तो मैं मोटिवेटेड रहूंगा कि गाना लिखना है मुझे, और जो आया वो आया. ओके. मगर वो इमोशन से ड्रॉ करना बहुत जरूरी है. राइट. ऐसे अगर आप बोलेंगे आज मुझे गाना लिखना है, क्यों पता नहीं, नहीं होगा. आज गाना लिखना है बिकॉज आई एम सैड, आज गाना लिखना है बिकॉज आई एम हैप्पी, आज गाना लिखना है बिकॉज आई एम एंग्री, तो फिर वो ऑनेस्ट जगह से आ रहा है. राइट राइट राइट. चांद को देख के कोई गाना आता है? मुझे बहुत अच्छा लगता है. बैकग्राउंड में से हमारे मैनेजर साहब हमें इशारा कर रहे हैं कि भाई देखो ऐसे तुम लोग तो ऐसे लंबी लंबी बातें करोगे हमारी फ्लाइट छूट जाएगी. सो वी आर लाइक फिलोसफी वाले बात है. सो फिलोसॉफिकल. इतना फिलोसॉफिकल बातें मत किया करो. अभी इसको एंड करो इंटरव्यू को, हमें जाना होता है. ऐसे ऐसे इशारे होते हैं तो यहाँ पर हम इंटरव्यू को खत्म कर रहे हैं. बट आई रियली रियली एंजॉयड टॉकिंग टू यू अर्जुन. थैंक यू. लगा ही नहीं पहली बार मिल रही हूँ मैं. मतलब पहली बार लगा हम बीएफएफ हो गए, दूसरी में सब बरसाते वाले फ्रेंड्स. नाउ व्हाट इज इट? बारिश फ्रेंड्स फॉरएवर. बारिश फ्रेंड्स फॉरएवर. And I hope you enjoyed the studio and the presence and the Red Bull and me. And you want to say anything? I would love to say thank you for having me. Mujhe inse bahut saalon se milna hai. She's one of the obviously the best creators in Gujarat, but wo sab jagah mashhoor hai, Bombay mein bhi. And I would also say that listen to my new song, Woh Baarishein. It's out on YouTube right now. और अगर आपको अच्छा लगे, बुरा लगे, जो जो कहना है कहो, मगर कमेंट्स में डाल दो उसको. Yeah, do listen to Woh Baarishein. अपने प्लेलिस्ट में ऐड कर लेना. ठरकी वाले प्लेलिस्ट में नहीं, मॉनसून वाले में. ये ठरकी वाला प्लेलिस्ट क्या है यार, कुछ बजा दो यार. मैं ये इंटरव्यू खत्म होने के बाद बताती हूँ. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच आदिति. सी यू वेरी सून फॉर द जोर फूड. जोर फूड, यस. बाय.